ओके वापस 81 नंबर शीट पे आ जाओ। 81 नंबर शीट, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट, और इसके सामने एक रॉड है ऑफ लेंथ एल। ये रॉड को हम वी वेलोसिटी से ऊपर मूव करवा रहे हैं, तो पहले ये बताओ क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगी? ईएमएफ के लिए बी नहीं चाहिए, बी कौन प्रोड्यूस करेगा? वायर। तो वायर बी कैसे जनरेट करेगा? बोर्ड के इनसाइड। कितने लोग एग्री करते हैं कि बीएलवी से आंसर आ जाएगा? सीधा लगा दो, कहानी खत्म। कितने लोग कहते हैं नहीं इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अभी भी? क्यों करनी पड़ेगी इस बार? क्योंकि क्या चीज चेंज हो रही है? बी डिस्टेंस से बी, क्योंकि वायर के पास कोई पॉइंट होगा बी ज्यादा होगा, पीछे जाओगे तो बी कम हो जाएगा। तो बीएलवी में फॉर्मूला डायरेक्टली तब लगता है जब बी चेंज ना हो, वी चेंज ना हो और एल भी चेंज ना हो। इसमें वी तो सेम है, पूरी हर एलिमेंट का वी तो सेम है, पर बी चेंज हो गया। तो फिर इंटीग्रेशन, फिर एलिमेंट लो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। पहले एक्स दूरी पे इनफाइनाइट वायर का बी क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स। इट इज मूविंग विद वी, द स्मॉल एलिमेंट की स्मॉल ईएमएफ क्या होगी? बी लेंथ वी, लेंथ की जगह डी एक्स, और वी तो वी रहेगा। तो बी की जगह वैल्यू पुट करें म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स। तो ये स्मॉल ईएमएफ आई, टोटल ईएमएफ के लिए इसे इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक? आर से लेके आर प्लस एल तक। तो लिमिट लगाएं आर से लेके आर प्लस एल। कांस्टेंट म्यू नॉट आई वी 2 पाई सब बाहर 1 बाय एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ये आंसर मार्क करना है अपने ऑब्जेक्टिव। क्लियर है यहां तक? ठीक। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? एक टेक्निक है, इसमें क्या है कि एक रिंग है, एक रिंग को मूव नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं, रिंग पड़ी थी, बस बी को इंक्रीज करवा दिया विद टाइम। टाइम के साथ बोर्ड के अंदर बी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट डेवलप हो जाएगा। लेंज लॉ याद है? लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर आप इस कॉइल का बी अंदर की तरफ इंक्रीज करवाएंगे तो कॉइल मना करेगी, मैं नहीं करवाऊंगी, तो वो क्या करेगी? करंट को एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इसका बी आपके बी के ऑपोजिट हो। आप बी अंदर इंक्रीज करवा रहे हो तो इसका बी बाहर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, करंट कैसे प्रोड्यूस होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज? पहला आंसर क्लियर है अभिषेक? ठीक। वैल्यू क्या होगी इसकी? वैल्यू में पहले आप फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स क्या होगा? एन टाइम बी इंटू एरिया। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह एन बी ए, इसमें एन और ए कॉन्स्टेंट है, ना एरिया चेंज हो रहा है ना एन, इसमें क्या चीज चेंज हो रही है? बी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी गिवन होगा, जैसे बी इंक्रीज हो रहा है विद 2 टेस्ला पर सेकेंड, तो आप उस रेट को यहां पुट करके ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फिर कभी कभी स्टूडेंट पूछ लेते हैं, पर मैंने इसमें नोट कर दिया, नहीं भी पूछोगे, कि ईएमएफ की वैल्यू तो दो पॉइंट्स के बीच में निकलती है, और आपने रिंग में जो भी ईएमएफ निकाल ली ऊपर, उसके दो पॉइंट्स कहां हैं? वो तो थ्रू आउट द कॉइल निकली है, तो हमें तो सिखाया गया है कि दो पॉइंट्स होने चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ में जरूरी नहीं है कि दो पॉइंट्स मिले आपको। तो आप इसमें ऐसे ज्यूम करेंगे कि दो दो करके दो दो करके दो दो करके पॉइंट्स लेते जाएंगे, हर के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में स्मॉल ईएमएफ है डीई, सच दैट डीई 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 ऐड करते जाएंगे तो टोटल ईएमएफ उसके इक्वल आ जाएगी, लेकिन दो पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? तो आपने ज्यूम करना है, या ऐसे ज्यूम कर ले कि यहां पर बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड है, जो हर कोई बैटरी स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉन्ट्रीब्यूट करती है डीई 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 सीरीज में, ताकि टोटल ईएमएफ एग्जैक्टली उतनी हो जाए जो हमने निकाल ली है। ये आपकी अजम्पशन है, आपसे पूछेगा कोई नहीं। ये जब घर जाके पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि मेरे को पॉइंट्स नहीं दिख रहे, तो सर्कल में आपको पॉइंट्स दिखेंगे भी नहीं, इसका मतलब ये। चार्ज फ्लोन थ्रू अ कॉइल,